हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा छोला भटूरा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, छोला भटूरा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 400 ग्राम के आसपास मैदा लिया है, उसमें हमने सूजी 100 ग्राम के आसपास मिलाया है, 100 ग्राम से थोड़ी सी कम, आप चाहे तो सूजी नहीं भी मिला सकते हैं। और हमने आधी चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अब इन सबको मिला के इसे गूँथेंगे। इन सबको अच्छे से पानी देके, थोड़ी थोड़ी पानी देके हम गूँथेंगे। आप सूजी चाहे तो नहीं भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी डालने से थोड़ा सा जो हमारा भटूरा बनता है उसमें थोड़ी सी ऊपर ऊपर जो उसका लेयर होता है थोड़ा क्रंची आएगा, और नहीं डालेंगे तो फिर बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। तो हमने गूँथ के इसे भीगने के लिए छोड़ दिया है। इसे अच्छे से सेट होगा ये हमारा डो, तो उसके बाद हम बाद में बनाएंगे। अभी तो हमने जो काबली चना लिया था उसे रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया है, और उसे अब हम कुकर में डाल के उबालेंगे। उसके लिए हमने दो तेज पत्ता लिया है, 2 से 3, और 1 से 2 इंच के आसपास दालचीनी का टुकड़ा, और आधी से भी कम चम्मच हमने खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच नमक दिया है। यहाँ पे हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, और अदरक और लहसुन और लाल मिर्च का इधर पेस्ट तैयार किया है हमने। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, और फिर जीरा, और हमने साबुत लहसुन की पोटी डाली है इसमें। तो इन सब को अच्छे से भून के हम फिर इसमें प्याज डालेंगे। तो हमने जो प्याज पेस्ट किया था उसे अब डालेंगे, और इसे 4 से 5 मिनट तक तेज फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी पानी भी सूख जाए, और इसी बीच हमारा लहसुन भी पूरा पक जाएगा। लहसुन ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको पसंद हो तो डालें। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और जो लाल मिर्च का हमने पेस्ट तैयार किया था उसे डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 से 3 लाल मिर्च का इस्तेमाल किया यहाँ पे इसमें पीसने के लिए, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब इसे हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। अब हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो मसाला में हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच के आसपास सब्जी मसाला पाउडर, और लास्ट में आधी से भी कम चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, और 1.5 चम्मच के आसपास हमने छोले मसाले का प्रयोग किया है, जो कि इसका टेस्ट को और दुगना कर दें। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। ये मसाला हमारा लगभग भून चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे,
ये देखिए हमारा चना बॉयल हो चुका है, हमने दो आलू का इस्तेमाल किया था उसमें, तो आलू भी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम आलू को छील के इसमें डालेंगे मैश करके, ताकि इसका जो ग्रेवी तैयार हो बिल्कुल गाढ़ी हो। तो आलू डाल के हम अच्छे से इसे मैश करके मिला लेंगे मसाले को। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे दो आलू का जो इस्तेमाल किया है, अभी थोड़ी सी पानी ज़्यादा भी डालेंगे तो जब गैस को फ्लेम को ऑफ करेंगे तो ये हमारा जमने लगेगा, तो इसीलिए हमने आलू का इस्तेमाल किया है और हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी। तो फाइनली हमारा इस ग्रेवी में हमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें अपना काबुली चना इसे ऐड करेंगे इसमें, तो इसको डाल के अब एक बॉयल आने तक पकाएंगे, क्योंकि हमारा ये चना पहले ही बॉयल करके हमने रखा था। इसे आप कुकर में 5 से 6 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। अब यहाँ पे हमने लास्ट में गरम मसाला का प्रयोग किया है फ्रेंड्स, और इसे भी एक बॉयल आने तक पकाएंगे। फाइनली हमारा चना छोला तैयार है फ्रेंड्स। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने ये जो रखा था भटूरे को गूँथ के, मैदे को गूँथ के, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है, अब हाथ में भी नहीं लग रहा ये। तो अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। लोई तैयार करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से गोल सा रूप देंगे इसको, ताकि इसमें क्रैक्स कोई भी ना रह पाए। और अब हम इसे बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस बटर को अच्छे से बेल लिया है। तो हमारा तेल गर्म है कि नहीं, हमने इसके डो के थोड़े से टुकड़े को इसमें डाल के देखा है, तो हमारा पूरा तेल गर्म है। तो अब हम इसे तलेंगे, और इसे तलने के लिए फ्रेंड्स हमने तेज आंच का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये भटूरे फूल के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। हम इसे लो एंगल से भी दिखा नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल फ़ोन है, तो हमने टॉप एंगल से दिखा है। फिर भी हमने दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये देखिए कितना फूला है। तो हमारा फाइनली ये भटूरा बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने अपने कैमरे को टॉप एंगल से लगाया है तो कितना फूला है पता नहीं चलेगा। ये हमने टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लिया है ताकि इसका तेल को ये ऑब्जर्व कर ले। ये देखिए हमारा फूल चुका है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से हम बारी बारी से सारे भटूरों को निकालेंगे, और बिल्कुल तेज आंच पे, क्योंकि आंच लो करेंगे, फ्लेम लो करेंगे तो हमारा ये भटूरा पूरा फूलेगा नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूला है हमारा भटूरा। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बना सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ये देखिए फाइनली ये हमारा दूसरा भटूरा भी फाइनली तैयार है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना फूल गया है हमारा ये भटूरा, है ना। अब हम छोलों को एक बॉल में निकालेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर फ्रेंड्स, तो है ना ये गाढ़ी, ये लहसुन की जो हमने साबुत लहसुन दिया था वो है। तो फाइनली हमारा छोला फ्रेंड्स तैयार है। तो इसे हम धनिया से थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए ना चटकदार, बिल्कुल मुंह में पानी आने वाली रेसिपी।
ये देखिए कितना अच्छा इसका गाढ़ापन भी अच्छा खासा है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी रेसिपी की डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब घर में आप इस तरीके से छोले भटूरे बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसका स्वाद ही कुछ और है। आप भी खाएं और अपने फैमिली को भी खिलाएं। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।